बिलाल मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि परवेज़ इलाही की रहायशगाह के बाहर ही मौजूद हैं। जी बिलाल, बताएगा कि क्या मनासिर हैं इस वक्त इस रूट के? देखिए वलीद, पिछले 8 रोज़ से बिल्ली चूहे का खेल जारी था। साबिक ना पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को गिरफ्तारी के लिए पुलिस काफ़ी मुतहरक दिखाई दे रही थी। ना सिर्फ पुलिस, CIA और दीगर अदारों की टीमें जो थी काफ़ी मुतहरक दिखाई दे रही थी। ज़हूर इलाही रोड को मकम्मल जो है पिछले 8 रोज़ से कार्डन ऑफ किया हुआ था, और पिछले 8 रोज़ से ही जो चौधरी परवेज़ इलाही के घर की जामिया चेकिंग का सिलसिला भी जारी था। एंटी करप्शन की टीमें भी मौजूद थी और ज़हूर इलाही रोड को मकम्मल तौर पर कार्डन ऑफ किया गया था। यहाँ पर आम ट्रैफिक के लिए भी बंद कर दिया गया था। आज चौधरी परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी जो है पुलिस की जानब से और CIA की जानब से अमल में लाई गई है। मुश्तरका कार्रवाई से ज़हूर इलाही रोड की अगर मैं अभी मौजूदा सूरत हाल की बात करूं, तो अभी से कुछ देर कबल जो चौधरी परवेज़ इलाही अपनी रहायशगाह से निकलकर गाड़ी में जा रहे थे, बुलेट प्रूफ गाड़ी में जा रहे थे, तो इसी दौरान CIA और पंजाब पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई से साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को गिरफ्तार किया गया। गाड़ी के अंदर उनके दो गार्ड भी मौजूद थे और उनके साथ ड्राइवर भी मौजूद थे, लेकिन पुलिस की जानब से उनके गार्ड और उनके ड्राइवर को गिरफ्तार नहीं किया गया, सिर्फ चौधरी परवेज़ इलाही को गिरफ्तार किया गया। चौधरी परवेज़ इलाही जो है करोड़ों रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम है उन पे कि उन्होंने करोड़ों रुपए की करप्शन किया। उनकी दरख्वास्त जमानत जो थी वो भी खारिज हुई थी। उसके बाद जो है पुलिस की टीमें यहाँ पर गिरफ्तारी के लिए एंटी करप्शन के जो है टीमों के साथ पहुंची थी। पिछले 8 रोज से हमें ये सिलसिला दिखाई दे रहा था, बिल्ली चूहे का खेल जारी था। कभी पुलिस उनके घर की जामिया चेकिंग करती थी, कभी उनके इर्द गिर्द के जो है घर उनकी तलाशी लेते थे, लेकिन तर्जमान परवेज़ इलाही की जानब से कहा जा रहा था कि चौधरी परवेज़ इलाही अपनी रहायशगाह के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन पुलिस बाजिद थी। पुलिस की जानब से कहा जा रहा था कि उनके ज़राए इस बात को कन्फर्म करते हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही अपनी रहायशगाह के अंदर मौजूद हैं, वो लास्ट टाइम अपनी रहायशगाह के इस इलाके में देखे गए। उनके ज़राए उनको कन्फर्म कर रहे थे, लेकिन पुलिस पिछले 8 रोज में चौधरी परवेज़ इलाही को गिरफ्तार करने में नाकाम दिखाई दे रही थी। उन्होंने इस इलाके को मकम्मल जो है ज़हूर इलाही रोड को कार्डन ऑफ किया हुआ था, लेकिन आज पुलिस चौधरी परवेज़ इलाही को गिरफ्तार करने में कामयाब हो चुकी है। अभी इस वक्त अगर बात करूँ तो उनकी लीगल टीम के कुछ अरकान हमें दिखाई दिए हैं, लेकिन पुलिस की जानब से यहाँ पर मकम्मल तौर पर बैरियर। अच्छा बिलाल, ये बताएगा कि इस वक्त करंट सिचुएशन वहाँ पे क्या है, क्योंकि एक हफ्ते से रास्ते वहाँ पे बंद थे, नाकाबंदी की जा रही थी, इस वक्त क्या मनासिब है वहाँ पे? ये वलीद, करंट अगर सिचुएशन की बात करूं तो उनके मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी है। जैसे जैसे खबर लोगों तक पहुंच रही है कि चौधरी परवेज़ इलाही गिरफ्तार होंगे, उनके करीबी कुरबा जो लोग हैं वो उनके यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उनकी लीगल टीम भी मौजूद है। दूसरी जानब पुलिस की यहाँ पर पिछले 8 रोज से भारी नफरी मौजूद थी, लेकिन आज गिरफ्तारी के बाद जो है पुलिस यहाँ से रवाना हो चुकी है। अगर दूसरी जानब यहाँ पर बात करें उनकी गिरफ्तारी के बाद जो कारकुनान की अगर बात करें, तो कारकुनान यहाँ पर इतनी दिखाई नहीं दे रहे, ना ही यहाँ पर पहुंचे हैं। अभी जो है यहाँ पर इत्मीनान है, और पुलिस की जानिब से जो पिछले 8 रोज से ज़हूर इलाही रोड को बंद किया गया था उसको मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया। आम ट्रैफिक भी यहां पर रवां दवां होती दिखाई दे रही है। जी अच्छा मुझे बताइएगा कि गिरफ्तारी के वक्त उनके साथ उनकी बहन और आई थिंक उनके भाई मौजूद थे, उनकी जानिब से कोई मौकिफ जो है वो सामने आया है? सुमैरा बीबी और आसिक इलाही साहब मौजूद उनके साथ किया गया है। तो देखिए, जब उनको गिरफ्तार किया गया है तो पुलिस को जस्ट चौधरी परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी का ही जो है अंदिया दिया गया था कि चौधरी परवेज़ इलाही को ही गिरफ्तार किया जाएगा। वो बुलेट प्रूफ गाड़ी से अपनी रहायशगा से निकलकर जो है किनार रोड की जानब रवानदवा थे। इसी दौरान पुलिस की नाकाबंदी जो है यहाँ पर मौजूद थी। 2 से 3 नाके रस्ते में आते हैं, इसी उसी नाके पर उनको जब जो उनकी चेकिंग की गई है, क्योंकि जिस ज़हूर इलाही रोड पर जितनी भी गाड़ियाँ आती थी पुलिस उनकी जामिया चेकिंग करने के बाद ही जो है उन्हें अपने घरों में चौधरी परवेज़ इलाही के घर और दीगर घर उनको फिर दी जाती थी। आज चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ भी ऐसा ही हुआ है कि जैसे बिलाल मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद थे परवेज़ इलाही की रहायशगाह के बाहर से, हमें अपडेट कर रहे थे कि वहाँ पर क्या सिचुएशन है। आपने बताया कि तहरीक इंसाफ की सदर चौधरी परवेज़ इलाही लाहौर से गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बिलाल मिर्ज़ा, आपका बेहद शुक्रिया, हमें अपडेट कर रहे थे।